दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी को सजा सुना दी गई है। ये वो सजा सुनाई गई है जिस पर जाहिर सी बात है सवाल उठने खड़े हो गए हैं। गैंगरेप के सबसे बड़े मुजरिम को 3 साल की सजा सुनाई गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी को दोषी तो करार दिया है, रेप और मर्डर समेत 12 मामलों में 3 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि जुवेनाइल कोर्ट के मुताबिक यह अधिकतम सजा है। सजा काटने के लिए अब मुजरिम को विशेष सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। इसी बीच दिल्ली गैंगरेप में सजा के ऐलान के बाद पीड़ित की मां ने सवाल उठा दिया है। जाहिर सी बात है बड़ा फैसला है। 8 महीने बाद 16 दिसंबर की उस घटना के 8 महीने बाद ये फैसला आता है, बड़ा फैसला है। लेकिन एक तरफ परिवार की अगर बात की जाए तो आज भी असंतोष, ये कहते हुए कि इतना लंबा इंतजार किया गया और जिसने सबसे जघन्य अपराध किया। आपको बता दें कि यही है वो जुवेनाइल जिसने सबसे ज्यादा बर्बरता से लड़की का रेप किया था और 3 साल की सजा, ये कानून की मजबूरी है। इतनी देर पहले तो, और जब सजा सुनाई गई कानूनी मजबूरी के चलते, जुवेनाइल प्रोटेक्शन जिसे कह दीजिए आप, 3 साल की सजा यहाँ पर सुनाई गई है। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए सीधा रुख करते हैं, मेरे संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, सबसे पहले तो बताइए क्या क्या सजा का ऐलान? देखिए, जो दिल्ली गैंगरेप मामला था 16 दिसंबर का, उसमें जो एक आरोपी जुवेनाइल था उसके खिलाफ आज कोर्ट ने, जो पुलिस ने आरोप उस पर आरोप लगाए थे, उनमें से कुछ आरोपों को कोर्ट ने खारिज करते हुए कुछ सेक्शंस के जो आरोप हैं उन पर आरोप तय किया। उसके बाद उसे 3 साल की जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, वो दिया गया है। हालांकि इसे सजा नहीं कहते, इसे जो स्पेशल होम है वहां भेजा जाता है और ये सुधार की एक प्रक्रिया है जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सेक्शन 15 के अंतर्गत आती है। तो उसके तहत उसे दोषी पाया गया है और जो मैक्सिमम पनिशमेंट इस सेक्शन में होती है, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सेक्शन 15 है, उसके तहत उसे 3 साल की सजा दी गई है। यानी कि 3 साल तक अब उसे स्पेशल होम्स में रखा जाएगा। साथ ही जो आदेश है उसमें कोर्ट ने कहा है कि ये रिव्यू का भी एक प्रक्रिया होती है, जो जितने ये 3 साल तक जो वो स्पेशल होम्स में रहेगा, इस दौरान रिव्यू किया जाएगा, उसके उसके बिहेवियर को रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद से फिर एक बार बोर्ड चाहे तो उसके फैसले पर दोबारा फैसला दे सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है इस सेक्शंस में, वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो उसको दिया गया है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो मर्डर के चार्ज और गैंगरेप की जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 3 साल की होती है। लिहाजा इस केस में जो है उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है। विनोद, जैसा कि आपने बताया, दूसरा मामला था मैक्सिमम जो हो सकता था अधिकतम 3 साल की, के लिए उसे सुधार गृह में भेज दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत यही प्रावधान है और जिस दिन रेप हुआ उस समय उसकी उम्र 17.5 साल थी, वो नाबालिग था भारतीय कानून के मुताबिक, जुवेनाइल एक्ट के मुताबिक। और जुवेनाइल एक्ट के मुताबिक तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद, देश भर में तमाम गुस्से आक्रोश के बावजूद, उस एक्ट में ये प्रावधान है कि नाबालिग को 3 साल से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। और आपको बता दें कि ये नाबालिग लड़का बस में था और सबसे अधिक वहशीपन के साथ उस लड़की ने कोई लड़की के साथ कोई पेश आया तो ये लड़का ही था। तमाम तरह के प्रदर्शन हुए पूरे देश में। उस लड़की, पीड़ित लड़की का, की मां का अभी अभी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, बहुत ही भरे हुए गले से, भर्राए हुए गले से उन्होंने कहा, अगर यही सजा होनी थी तो इतने दिन इंतजार क्यों किया। एक बड़ी बात है, जस्टिस हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व जस्टिस और एनके सिंह, आपसे ही शुरू करते हैं। अल्टीमेटली ठीक है, एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, कानून की अपनी सीमाएं हैं, दायरा है, 6 महीने से इस पर 7 महीने देश भर में बहस हुई, जस्टिस वर्मा के समय भी, में भी और सरकार के भीतर। अब जो उस प्रावधान के तहत जो कुछ हो सकता था 3 साल के लिए वो सुधार गृह में गया, लेकिन लगता नहीं कि 17.5 साल की उम्र, इतना बड़ा अपराध और उसके बाद जनमानस में जो आक्रोश था, कहीं ना कहीं कानून का दायरा उस आक्रोश को एड्रेस नहीं कर पाया। जी, जो आक्रोश था, जिस तरह की घटना घटी गई और जो हालात थे, लेकिन हमारे संविधान में भी जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है 20, जितना दिया गया है उससे ज्यादा सजा नहीं जा सकती। और उस समय जो कानून था, जिस समय एक्चुअली ये घटना घटी गई है, घटना की दिनांक को जो प्रचलित कानून था उसी के हिसाब से
उसको सजा दी जाएगी। ये तो कई बार लगता नहीं कि हालात के हिसाब से प्रावधान और एक्ट और कानून में बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल के जो आंकड़े हैं दिल्ली समेत कई शहरों के, उन आंकड़ों में नाबालिग खासतौर से 16 और 18 साल के लड़कों द्वारा रेप की न जाने कितनी वारदातें, बहुत सारी घटनाएं, नंबर वन। दूसरी चीज, हालांकि इस लड़के में तमाम तरह के टेस्ट हुए जो उसके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होते हैं जिससे उसकी उम्र का पता चले, लेकिन जैसे शहर से वो आया था ऐसे शहरों में ऐसे भी वाकई होते हैं 3-4 साल उम्र दाएं बाएं घटाकर भी लिखाया जाता। तो दोनों ऐसी स्थिति है कि 16 से 18 पर डिबेट होता रह गया लेकिन हुआ नहीं, तो कहीं लगता नहीं अभी कहीं नहीं चालू, अभी अभी जो डिबेट है ये अभी चालू है, और ये एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उस, हालांकि उस पर निर्णय आ चुका था लेकिन पुनः विचार के लिए वो दूसरी पिटीशन लगी है सुब्रम अपने इनके स्वामी साहब की, और उस पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस पर नोटिस जारी हुआ है। और ये जो हमारा वर्चुअली बड़े आप मीडिया के बड़े धन्यवाद हैं, इस पर जो डिबेट होगी, कानून तो ही बनेगा जिसको हम चाहेंगे। पहले ये 16 ही साल थी उम्र, उसको बाद में 18 किया गया और 2000 में आया ये जी। इसके बाद उसको पुरानी डेट पे जो घटना घट गई है और उसकी कोई अपील या रिवीजन या कुछ पेंडिंग है, लेकिन फखरुद्दीन साहब अदालत अपने विवेक के आधार पर लॉ में एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं बना रही, अदालत के प्रावधान से बाहर है, जो संविधान हमने दिया है और एक जो सजा है वो प्रचलित कानून के अंतर्गत ही होगी जो भी आज लागू है। मुझे लगता है एनके सिंह साहब जस्टिस से इन्होंने जो कुछ कहा, कानून के दायरे और प्रावधान है, जाहिर है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 से है, उससे बाहर कोई अदालत कुछ नहीं कर सकती जब तक हम उसमें संशोधन करके उम्र सीमा को फिर से पुनर्विचार करके 18 को 16 न लाएं या बदलाव न करें। लेकिन जो जनमानस का गुस्सा है और जो आंकड़े हैं, मैं दोनों आंकड़े की इसलिए बात करूंगा कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं, जो आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में 16 से 18 साल के बहुत सारे नाबालिग जो भारतीय कानून के मुताबिक हैं वो रेप में शामिल होते हैं, तो क्या लगता नहीं कि इस पर वक्त आ गया है कि सरकार एक बार सोचे और इसमें फेरबदल। अजीत जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप पूरे वर्ल्ड में, खास करके ये जो यूएन कन्वेंशन आप देख रहे हैं जिसके तहत भारत में भी ये मजबूरी है कि 18 साल से कम को ये कह दिया गया है कि नहीं साहब ये जुवेनाइल होगा, ये परसेप्शन जो है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि क्या ये वैलिड अभी भी है। जब खान पान बढ़ता है, उसकी एज जो होती है, मैच्योरिटी, एडल्टहुड, वो बढ़ती है, ऐसे में एक आपको याद होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में लिवरपूल में एक केस भी हुआ था इसको लेके, जिसको कि जेम्स ब्लजर केस कहते हैं, और उसमें भी यही हुआ था कि नहीं साहब उसका मेंटल एज, उसका फिजिकल कैपेसिटी, ये देख के मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ क्राइम इसको देखना पड़ेगा। अगर नेचर ऑफ क्राइम रेप का है तो उसमें ये रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए कम से कम। और मेरे ख्याल से यूके में जब अगर रेप का मामला होता है तो उसको रेप की तरह ट्रीट किया जाता है, और यूके में डेनमार्क में भी है। तो आज जो परसेप्शन है कि हमारी लॉ इंस्टीट्यूशंस जो है, पार्लियामेंट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसको इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि सिर्फ पब्लिक एस्पिरेशन की बात नहीं है कि पब्लिक चाह रही है इसलिए करें। अगर डेटा और आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश में बलात्कार के मामलों में बहुत बड़ी आबादी, बहुत अभियुक्तों की बहुत बड़ी तादाद में 16 से 18 साल के बच्चे शामिल हैं, तो क्यों नहीं बिल्कुल सही। इसीलिए ये जो बना है यूएन कन्वेंशन जब से आया है उसमें 4P का एक डॉक्ट्रिन लाया गया, ये दरअसल बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप जुवेनाइल जस्टिस में भी देखें, इसलिए है कि वो बाल सुधार गृह में जाए, उसे अपराध के लिए नहीं है, वो विक्टिम सेंट्रिक नहीं है कि विक्टिम को देख के करे कि वो जो लड़की 23 साल की थी उसको ये झेलना, बच्चे को सुधारने की प्रवृत्ति है कि बच्चा शायद सुधर के इसीलिए कहा जाता है रास्ते पर आ जाए जी। जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इसका जो डॉक्ट्रिन है, ये जो पूरा आप लॉ देखते हैं इसका जो बेसिक थ्योरी है वो है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। वो ये नहीं कहता कि जुवेनाइल अपराधी है, वो लड़की मर गई सिंगापुर में, डेथ हो गया, जो उसके साथ हुआ उस पर उसको नहीं दिया गया है, बजाय जुवेनाइल को प्रोटेक्ट करते हुए 3 साल के लिए, यही इसका प्रॉब्लम। टीना शर्मा जी, आप सहमत हैं? महिला हैं, विमेन हैं, आप सहमत हैं? मैंने बहुत लोगों का अभी बयान देखा कुछ देर पहले, बहुत सारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा जो संविधान में जिसके जो प्रावधान था उसके तहत जो हुआ हम सेटिस्फाइड है, लेकिन आप सेटिस्फाइड है? नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखिए, पहली बात हमें ये मानना पड़ेगा जैसे एनके सिंह साहब ने कहा कि यूएन कन्वेंशन जो है 1991 में जो हमारे पास आया उसमें हमारा देश भी पार्टिसिपेट कर रहा था, और यूके का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको हर देश में उनके यहाँ पर ग्रेविटी ऑफ क्राइम को देखा जाता है, विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन को देखा जाता है, और टेररिस्ट को इसमें लिया जाता है। इनफैक्ट बीजिंग रूल जो है 1985 वो भी इस बात को सपोर्ट करता है।
मैं इसमें एक बात बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरीके का है कि उसमें इसकी सजा को, इसके डिटेंशन को, क्योंकि ये सजा नहीं है, इसके डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता था। और मेरे ख्याल से एनके सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, मैंने पहले भी इनका एक डिबेट इस पर सुना था जिसमें केयर प्लान की बात की गई थी। जब बच्चे को लेकर आया जाता है, जुवेनाइल को लेकर आया जाता है और उसे बोर्ड के सामने पेश किया जाता है और उसकी कार्यवाही शुरू होती है, तो एक केयर प्लान होता है। वो दिल्ली स्टेट का केयर प्लान वो बिल्कुल गायब था, क्योंकि वो स्टेट का स्टैट्यूटरी लॉ है और उसको कहीं पे भी रिफॉर्म में आप बच्चे को ले जा रहे हैं, जुवेनाइल को ले जा रहे हैं, रिफॉर्म कहीं नहीं है। वो 6 महीने से वहां, 7 महीने, 8 महीने से वहां पर आपके रिफॉर्म्स में बैठा हुआ है, पर आप उसे वहां पर कोर्ट पे पेश कर रहे हैं, उसको लाया ले जाया जा रहा है, पर क्या उसका आप रिफॉर्म कर रहे हैं? तो जो केयर प्लान है वो मिसिंग है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का लगता नहीं कि अपराध की प्रवृत्ति को देखकर या अपराध मैग्नीट्यूड को देखकर, तीव्रता को देखकर यह तय होना चाहिए कि अगर अपराध इस तरह का है कि ब्रूटेलिटी के साथ रेप हुआ और उसके बाद जिस ढंग से दिल्ली गैंग रेप में हुआ या शक्ति मिल में अगर मुंबई में हुआ, वो ब्रूटेलिटी अगर किसी एडल्ट के बराबर है। आप चार्जशीट में 37 पन्नों की चार्जशीट, जो 37 पन्ने हैं वो इसी के बारे में सबसे भयानकता इसके रवैये में ही। तो ऐसे केस में अपराध की तीव्रता को देखकर या उस जिस ढंग से उसने किया उसको देखकर, नेचर को देखकर क्या इसमें क्राइटेरिया नहीं डिसाइड होना चाहिए? अगर जुवेनाइल की सीमा 18 तो भी बदलाव नहीं लाना, अगर चोरी करता है तो उसको भेज दीजिए, सुधर जाएगा। अगर उसने छोटे मोटे अपराध किए तो ठीक है, उसको सुधरने का मौका दीजिए, लेकिन एक लड़की के साथ ऐसा किया और लड़की की डेथ हो गई, तो मेरे ख्याल से इस केस में कुछ केस स्पेसिफिक होना चाहिए कि नहीं? देखिए, केस स्पेसिफिक होना तो मुश्किल है, लेकिन अपराध टू अपराध, केस में एक्सेप्शन नहीं होगा, क्योंकि अपराध का पैमाना, इस पर विचार चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकती, कोई भी अदालत देश की, कानून बनाने का अधिकार तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को है। ये जहां तक 17 और 18 का प्रश्न है, इस पर बहुत गंभीर प्रश्न है, देशवासियों को करना पड़ेगा और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अल्टीमेटली पार्लियामेंट में ही बात आनी है। तो कानून बनाने की जो शक्ति है और वो जनता के अनुरूप ही होना चाहिए, और जो जिस तरह से इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करके, देखिए बहुत ओपिनियन है, एक पर रोकना पड़ेगा। उस बच्ची, उस पीड़ित लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी माँ ने क्या कहा ये सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर सबसे अधिक कोई भुगतेगा परिवार तो उसकी माँ होगी। हम सुनते हैं उसकी माँ ने क्या कहा इस फैसले के बाद। तुम ऐसे बैठा के रखे, इतने बार कैंसिल किए, गुमराह करके हमको रखे, और जब 3 साल की सजा देनी थी तो पहले ही दे देते। आज क्या, आप इतना दिन गुमराह करने का क्या जरूरत था? आज भी सुबह से हम भूखे प्यासे बैठे हैं, 5 मिनट बाद देंगे, फिर 2:30 बजे देंगे, तो जब 3 साल की सजा देनी थी तो पहले ही दे देना था। मुझे ये फैसला नहीं मालूम, सुबह से बैठा के रखे, इतने बार कैंसिल किए, गुमराह करके हमको रखे, और जब 3 साल की सजा देनी थी तो पहले ही दे देते। आज क्या, आप इतना दिन गुमराह करने का क्या जरूरत था? आज भी सुबह से हम भूखे प्यासे बैठे हैं, 5 मिनट बाद देंगे, फिर 2:30 बजे देंगे, तो जब 3 साल की सजा देनी थी तो पहले ही दे देना था। मुझे ये फैसला नहीं मालूम। ये आपने सुना, ये दिल्ली गैंग रेप की पीड़ित उस लड़की का जो इस दुनिया में नहीं है, सिंगापुर में जिसकी मौत हो गई थी, उसकी माँ का बयान है। माँ का दर्द है, माँ की पीड़ा है, और उस माँ का कहना है कि जब यही 3 साल की सजा देनी थी तो इतने दिन इंतजार क्यों किया, सुबह से बैठी रही। जाहिर है उस माँ ने जो झेला, उसके पिता ने जो झेला, उसके परिवार ने जो झेला, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी बेटी की इस तरह से मौत हो जाए, इस तरह से बलात्कार हो जाए, और उसके बाद की दिसंबर से लेकर अब तक की त्रासदी, क्योंकि उसने बहुत कुछ खोया, न सिर्फ बेटी खोया बल्कि एक सपना खोया, और उस ताउम्र इस दर्द के साथ वो जिएगी कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। एनके सिंह साहब, जो आपने एक बात कही बहुत अहम है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और हमारे यहां जो प्रावधान है उसमें आपने सही कहा कि पीड़िता का पक्ष कम है, उस जुवेनाइल को, नाबालिग को बचाकर उसको सुधार गृह में भेजकर उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश ज्यादा है। हम इस पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद, और समझने की कोशिश करेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नाबालिग को जो प्रोटेक्शन का जो प्रावधान है वो क्या सही है, क्या बलात्कार के मामलों में कुछ उस प्रावधान में बदलाव नहीं होने चाहिए। 16 दिसंबर को हुए दिल्ली गैंगरेप केस में आज पहला फैसला आया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जुवेनाइल पर फैसला सुनाया है।
तीन साल के लिए सुधार गृह में भेज दिया गया है। सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम चार्जशीट में बकायदा है कि इसी शख्स ने किया था, लेकिन तीन साल के लिए, अब इसे सजा भी नहीं कहा जा सकता है जुवेनाइल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तीन साल के लिए सुधार गृह में भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा अगर झटका किसी को लगा है तो जाहिर सी बात है उस माँ को लगा है जिसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, और अब वो माँ किस तरीके से असंतोष जाहिर कर रही है, पहले ये सुनिए, सुनना जरूरी है। तुम ऐसे बैठा के रखे, इतने बार कैंसिल किए, गुमराह करके हमको रखे, और जब तीन साल की सजा देनी थी तो पहले ही दे देते। आज क्या, आप इतना दिन गुमराह करने का क्या जरूरत था? आज भी सुबह से हम भूखे प्यासे बैठे हैं, पाँच मिनट बाद देंगे, फिर ढाई बजे देंगे, तो जब तीन साल की सजा देनी थी तो पहले ही दे देना था। अंदाजा लगाइए, ये एनके सिंह साहब, आपसे पूछूंगी मैं सवाल, आप देखिए किस तरीके से वो परेशान हो रही है। ये वो केस है जिसने देश ही नहीं दुनिया को हिला दिया था, दुनिया की मीडिया की नजर आज इस फैसले पर आनी थी, और ऐसे में इस तरीके का फैसला आना जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था क्योंकि हमारा लॉ ये इसकी मजबूरी ही मान लीजिए, लेकिन ऐसे में मैं ये पूछ रही हूं कि ये हौसले बुलंद नहीं करेगा उन तमाम दूसरे जो जुवेनाइल अपराधी हैं कि भाई रेप कर लो, मर्डर कर लो, सजा तो तीन साल ही मिलनी है। जी हाँ, बहुत बड़ा वैलिड आपका सवाल है। कई बार होता है कि अब इसी केस में आप देख लीजिए, जो माँ का इस समय प्रलाप है वो हम सब लोग उसके साथ है क्योंकि लग रहा है कि कहीं कोई गलती बहुत बड़ी हुई है। होता यह है कि जब कानून बनता है तो दो एक इंस्टीट्यूशन होता है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट है, पब्लिक एस्पिरेशन और पार्लियामेंट दोनों के बीच में एक सहमति होती है कि नहीं आप जब भी चाहेंगे तो हम ला बदल देंगे। इस केस में पार्लियामेंट ये कानून नहीं बदल रहा है, शायद अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर होगा, लेकिन पूरे विश्व में ये चर्चा चल रही है कि खान पान के वजह से जो स्वास्थ्य बदला है उस समय जुवेनाइल का एज क्या होना चाहिए। आज कोई बलात्कार पीड़िता से पूछे कि वो किस एज का था तो वो बता पाएगी कि वो जो हिंसक हुआ था वो शायद किसी एडल्ट से ज्यादा बड़ा हिंसक। एक बार हम, चूंकि हमारे साथ बहुत देर से उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हैं, हालांकि उनसे हम बात करेंगे आसाराम पर, लेकिन विक्रम सिंह जी, चूंकि आप डीजीपी रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है जो अभी तीन साल के लिए सुधार गृह में भेजा गया है, आपका लंबा तजुर्बा है पुलिस में, आपसे समझना चाहूंगा, ठीक है कानून और संविधान की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा 16 से 18 साल के लड़के तमाम तरह के हीनियस क्राइम में संलिप्त पाए जाते हैं, लेकिन कानून की आड़ कहें या कानून की मजबूरी और छूट जाते हैं, आपका क्या तजुर्बा है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, और एक विद्वान वक्ता ने जो ये कहा खान पान को लेकर के, अब बहुत लंबी बड़ा एक अपराधियों का वर्ग है जो कि 18 साल के आसपास या उससे एक या दो साल कम है, और इनके विरुद्ध कार्रवाई करना और प्रभावी कार्रवाई करना कि इस प्रकार का दुस्साहस वो न करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन की है।